तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम सोहन, यू वॉचिंग एस के कार वर्ल्ड, और स्वागत आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में। जितना फेसलिफ्ट टाटा ने इसमें दिया है, ये ऐसा लगता है जैसे न्यू जनरेशन ही इन्होंने दे दी। ये टाटा का फेयरलेस वेरियंट है, इससे ऊपर भी एक वेरियंट आता है जिसमें टाटा फेयरलेस एस जो आता है उसमें सनरूफ मिल जाती है आपको, और भी कुछ फीचर जो है वो एडिशनल मिल जाते हैं, लेकिन लगभग जो फीचर है वो आपको इसके अंदर जो है मिल जाते हैं। और मैं इस वक्त हूँ टाटा मोटर्स प्रगति बाडोली के अंदर, जहाँ पे इन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड करवाई है वीडियो के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की। एक्चुअली सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी चाबी से। देखो, चाबी जो है जो पहले जो नेक्सॉन में आती थी, सेम वही चाबी आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि रिमोट की एक्चुअली मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसे डिज़ाइन लैंग्वेज की। तो डिज़ाइन लैंग्वेज अगर फ्रंट की बात करें तो टोटल जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, टोटल तरीके से इन्होंने चेंज किया है। कोई भी आपको पुराने एलिमेंट जो है फ्रंट में नज़र नहीं आएगा। जैसे अगर आप इसकी DRLs को यहाँ पर देखो, तो इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी हद तक इन्होंने चेंज कर दिया है। वो पहले वाली जो नेक्सॉन आती है उसमें जो डिज़ाइन आता था इसका DRLs का, उसमें क्या था कि जो DRLs है वो आपको हेडलाइट के अंदर ही मिलते थे, ये आपको ऊपर मिलते हैं जो आपको आईब्रो की तरह नज़र आते हैं, जो कि देखने में लगते भी काफ़ी अच्छे हैं। अब जस्ट इसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इसका हेडलाइट जो यूनिट है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो LED में मिलता है, प्रोजेक्टर मिलता है। दूसरी बात, इसके नीचे अगर यहाँ पर देखो तो ये भी आपको इसके जो फॉग लैंप है वो भी आपको LED के अंदर मिल जाते हैं। अब LED का फ़ायदा ये होता है कि नाइट में जो विजिबिलिटी होती है हेडलैम्प की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और किसी प्रकार की आपको देखने में या विजिबिलिटी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है वो नज़र नहीं आती है किसी प्रकार की। एक एलिमेंट जो है या फिर डिज़ाइन लैंग्वेज अगर कहो, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये जो एयर वेंट जो है ये दिया गया है, जो कि इसके माइलेज में या इसकी परफॉर्मेंस में जो है एक फ़र्क लेके आता है, क्योंकि ये एयर वेंट जो है एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दिया गया है। फिर अगर बात करें तो इसकी जो नीचे की जो ग्रिल है उसको अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ पर जो एरो ट्विन जो डिज़ाइन जो आता था वो बदल दिया गया है, और एक दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट को जो है यहाँ पर एड कर दिया गया है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको दो पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं विथ आपको फ्रंट कैमरे के साथ। अब फ्रंट कैमरा है इसके अंदर, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि इसके अंदर आपको 360 व्यू जो कैमरा है वो मिल जाता है। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले भी यहाँ पर जो इसकी ग्रिल है वो बंद ही आती थी, अभी भी इसके अंदर जो इसकी ग्रिल है वो भी बंद ही आती है, लेकिन टाटा का लोगो जो है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले छोटा कर दिया गया, जो देखने में जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब इसके अगर बोनेट की बात करें तो बोनेट जो है इसके डिज़ाइन में काफ़ी हद तक जो है इन्होंने चेंज किया है। पहले जो बोनेट था वो आपको यहाँ तक मिलता था, अभी जो बोनेट है वो आपको यहाँ तक मिलता है। और ये जो बोनेट है, ये इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो ये हम आप देख रहे हो इसका, इसके हिसाब से इसे बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी जो है गाड़ी ब्रॉड लगती है, ठीक है। अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल में हमारी नज़र जो है इसके खूबसूरत से जो इसके अलॉय व्हील हैं, जो कि आपको इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं वो मिल जाते हैं, और 16 इंच के अंदर इसके जो व्हील्स हैं वो मिल जाते हैं। अब व्हील्स का अगर अलॉय व्हील्स का अगर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ ये मिल जाता है। अगर इसके बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखोगे तो आपको इसका डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाता है। देखो, ये थोड़ा अलग लगता है, ये थोड़ा अलग लगता है। डिज़ाइन जो है इसका अलॉय का काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर बना दिया गया है, ठीक है। अब अगर बात करें सस्पेंशन ट्रेवल की, तो सस्पेंशन ट्रेवल जो है आपको इतना मिल जाता है फ्रंट के अंदर, ठीक है। देखो, टाटा नेक्सॉन की बात नहीं है, जो टाटा की जितनी भी कार्स आती हैं उन सभी में जो इसका सस्पेंशन जो है सभी कार्स का वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून करते हैं ये लोग। अगर आप इसका ट्रैवल जो देखोगे वो भी अच्छा खासा है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे यहाँ से कवरिंग जो है वो अच्छी खासी आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। फिर एक बात जो इसके अंदर यहाँ पर देखोगे तो जो रबड़ पेंट जो है आपको गाड़ी को जो रस्टिंग लगने से जो बचाता है, वो रबड़ पेंट भी इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसे नहीं है कि ऐसे बस हाँ ठीक है कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी तरीके से किया गया है। अगर पेंट क्वालिटी की अगर बात करें तो पेंट क्वालिटी में जो आप देखोगे काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो पेंट क्वालिटी है वो मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी शाइन जो है ये पेंट करता ही है। अब अगर बात करें इसके वाइपर की, तो देखो वाइपर जो है इसके काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, एरोट्विन वाइपर जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। नीचे के वेरियंट में तो नहीं मिलते, लेकिन इसमें आपको जो है मिल जाते हैं। दूसरी बात, रेन सेंसर वाइपर जो है आपको ये मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग के लिए भी आपको एक जो सेंसर है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्यूअल टोन के अंदर मिल जाती है, ड्यूअल टोन कलर जो है इसके अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके ORBM की। देखो, ORBM जो है
ORBM जो है इसकी साइज़ जो है पहले से काफ़ी बड़ी कर दी, और डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये आपको हैरियर से जो है इंस्पायर ज़रूर लगेगा, कहीं ना कहीं आपको हैरियर की जो याद इसे देखकर ज़रूर आएगी। दूसरी बात, जो इसका इंडिकेटर है वो भी आपको जो है यहाँ पर हैरियर वाली डिज़ाइन में दिया गया, लगता बहुत खूबसूरत है। 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर मिल जाता है, तो उसका जो व्यू करने के लिए जो कैमरा वो आपको यहाँ पर ORBM पे जो है मिल ही जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल से अगर आप देखोगे साइड से, तो आपको बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे पुरानी वाले नेक्सॉन थी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हाँ, अलॉय व्हील इसके अंदर जो है चेंज कर दिए गए हैं। बाकी जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर्ड इसके अंदर मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। पीछे की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो पहले जो डिज़ाइन एलिमेंट आता था वो हटा दिया गया है, और आपको टोटल जो ब्लैक एलिमेंट है वो मिल जाता है। 50 लाख कार जो है टाटा मोटर्स ने अभी तक जो है सेल कर दी है, उसका आपको यहाँ पर एक ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं पीछे के सस्पेंशन ट्रेवल की। तो देखो, पीछे का जो सस्पेंशन है इसका जो ट्रेवल है वो आपको अच्छा खासा एक्चुअली मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया ट्रेवल इसके अंदर मिल जाता है। कवरिंग की बात करें तो कवरिंग भी आपको इसके अंदर जो है अच्छी खासी मिल जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर रबड़ पेंट की अगर बात करें तो रबड़ पेंट भी जो है आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर एक्चुअली मिलता है, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि अगर ये रबड़ पेंट नहीं होता है तो कार को क्या रस्टिंग लगने की प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी आ जाती है। पीछे की बात करें तो पीछे आपको डिस्क ब्रेक जो है नहीं मिलता, लेकिन जो अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत आपको मिलता है। 16 इंच के मैंने आपको बता दी इसके अंदर जो टायर है वो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी पीछे की प्रोफाइल की। देखो, पीछे की जो प्रोफाइल है वो जो पुरानी वाली नेक्सॉन थी, जो इससे जो फेसलिफ्ट नहीं था उसकी अगर बात करें तो उसमें जो इसका पीछे का प्रोफाइल है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं था। देखो, पर्सनली बताऊँ तो मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें इसके पीछे की प्रोफाइल की, तो बहुत ही खूबसूरत ये बना दिया गया है। दूसरी बात, जो इसकी टेम्प लैंप है ये वेलकम फंक्शन के साथ आती है, जब इसे आप गाड़ी को ऑन करते हो तो ये वेलकम फंक्शन के साथ ऐसे जो है ब्लिंक करती है और लगती बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कनेक्टेड है। 2 पार्किंग सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और एक आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके ऊपर जो है टाटा का लोगो भी मिल जाता, लगता खूबसूरत है। फिर अगर बात करें टेल लैंप की, तो देखो ये जो टेल लैंप है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है पूरी तरीके से आपको LED के अंदर मिल जाता है। ये जो आप व्हाइट कलर का यहाँ पर देख रहे हो ये एक्चुअली LED इसका इंडिकेटर है, ठीक है, लगता खूबसूरत जब ये ब्लिंक होता है। फिर नीचे अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको इसका रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाता है, और एक डिज़ाइन एलिमेंट जो है यहाँ से निकल कर इस तरफ आता है, जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी इसे एनहांस जो है वो देता है, ठीक है। पहली बात, और पहले जो कार आती थी नेक्सॉन, उसमें क्या टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर जो है जगह दी जाती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है इसे आप यहाँ से ही जो है ऑन कर सकते हो। और काफ़ी भारी भरकम एक्चुअली है ये, क्योंकि देखो 5-स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग के साथ ही आता है, तो भारी भरकम तो है ये, ठीक है। उसमें आपको जब आप इसे खोलोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब देखो, टेल गेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर बंद करने के लिए एक जगह जो है वो मिल जाती है, और टेल गेट जो है अच्छी तरीके से आपको वेल्ड कवर जो है मिल जाता है। एक चीज़ और, टाटा वैसे तो देखो सेफ्टी का ध्यान रखता ही है, एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, अगर आप कार में फंस जाओ तो आप इसे यहाँ से ऑन करो, ओपन करो, और इसके अंदर एक वायर होता है, उसे आप जैसे निकालोगे है ना, जो कि फ़िलहाल तो इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया जाता है, जैसे आप उस वायर को खींचोगे तो जो टेल गेट है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप गाड़ी से बाहर जो है निकल जाओगे। अब बात कर लेते हैं इसके पार्सल ट्रे की। तो देखो, पार्सल ट्रे जो है उसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो ज़बरदस्त क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है, और अगर इसकी मटेरियल की भी बात करें तो मटेरियल भी काफ़ी अच्छा चूज़ इसके अंदर किया गया है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस जो है वो आपको अच्छी तरीके से आप देख रहे हो, वेल्ड कवर आपको इसके अंदर मिल जाता है, और 382 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस जो है मिल जाता है। देखो, बूट स्पेस है तो वैसे ही उतना ही जितना पुराने वाले में था, लेकिन इनका जो बूट स्पेस को जो बताने का जो तरीका है, इनका मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। अब सीट की बात करें तो ये आपको 60-40 स्प्लिट में मिलती है, आप चाहो तो अपने बूट स्पेस को जो है सीट को आगे स्प्लिट करके बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। इस तरफ बात करोगे तो आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो मिल जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको एक लाइट मिल जाती है, जो कि LED में आपको नहीं मिलती, हैलोजन में मिलती है। यहाँ पर आपको 3 kg 3 kg, और अगर इस तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 3 kg 3 kg का एक जो 4 हुक जो है वो मिल जाता है। अब बात कर लें इसके स्पेयर व्हील की। देखो, स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो स्टील रिम जो है वो आपको मिली जाती है। दूसरी बात, जो स्पेयर व्हील है ये आपको सेम साइज़ का मिलता है, 16 इंच का, और जो कि एक अच्छी बात है, आपको कार की जो स्पीड है या
जो डर रहता है स्पेयर व्हील के साथ कि कहीं फट ना जाए वो ना जाए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प ये कर देता है क्योंकि ये सेम साइज़ का है। एक चीज़ जो मैंने सिर्फ टाटा मोटर्स की कार में ही देखी है वो ये है कि देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो कटआउट है इसके नीचे जो है इस हेडलाइट के जो बोल्ट्स हैं वो दिए गए हैं जो कि अच्छी तरीके से कवरिंग के साथ दिए गए हैं, ऐसा नहीं ओपन में दिए जाते हैं। आज भी बहुत सी कंपनियाँ जो ओपनिंग में देती है लेकिन ये जो बोल्ट्स हैं आपको कवरिंग में मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। कभी भी आपको इससे कोई काम हो, जैसे आपको टेल लाइट्स को चेंज करवाना हो या कोई और काम हो, तो जो आपके बोल्ट आपको सही सलामत मिलते हैं रस्टिंग के साथ वो नहीं मिलते हैं। ओवरऑल अगर बाकी बात करें तो ये आप देख रहे हो अच्छी तरीके से आपको वेल्ट कवर जो है सब कुछ मिल जाता है। अभी बूट को करते हैं बंद, ठीक है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर तो आपको डिफोगर तो मिल जाता है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसके अंदर डिफोगर तो है लेकिन वाइपर की तरह, तो वाइपर जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे लैंड रोवर स्टाइल में आपको जो इसका वाइपर जो है वो मिल जाता है, और वॉशर जो है वो भी आपको यहीं पर ही मिल जाता है। लगता बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत है जब ये यहाँ से पानी को साफ़ करता है, और ऐसे किसी को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर जो इसका वाइपर जो है वो दिया गया है। शार्फिंग एंटीना जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है ड्रिल टोन के साथ। और अगर बात करें जैसे इसके ऊपर छत के ऊपर जो आपको रूफ ग्रिल भी मिल जाती है, फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलता ही है। अब अगर बात करें इसके अंदर बैठकर और दिखाते हैं ये कार अंदर से कैसी है। अब देखो पहले तो मैं आपको डोर की ओपनिंग दिखा देता हूँ। अगर आपके पास चाबी है तो आप रिक्वेस्ट सेंसर जो है ये दबाइए, ठीक है। गाड़ी हो गई ओपन। अब डोर की ओपनिंग की अगर बात करें तो 90 डिग्री तो नहीं लेकिन लगभग 90 डिग्री जो है ये ओपन हो जाता है। दूसरी बात जो है अगर आप डोर की जो साइज़ की अगर बात करोगे तो साइज़ जो है डोर का वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाता है। अगर पीछे की डोर की बात करोगे तो इसकी भी जो ओपनिंग है वो भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और जो डोर साइज़ है वो भी आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे के रो की। देखो सेकंड रो की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो डोर ट्रिम है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो डोर ट्रिम में क्या है, यहाँ पर देखो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ जो है वो किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये सॉफ्ट टच मटीरियल का यूज़ जो है यहाँ पर किया गया है, और ये लेदरेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये हार्ड प्लास्टिक, ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है लेकिन यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे आपको ट्विटर मिलता है, यहाँ पर इसका डोर हैंडल मिलता है, और यहाँ पर आपको ग्रिप हैंडल मिलता है, पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पर थोड़ा स्पेस, और यहाँ पर देखोगे एक वाटर होल्डर का स्पेस मिल जाता है, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पर और मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके सेकंड रो की सीट्स की, देखो सीट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके थाई सपोर्ट की। तो थाई सपोर्ट जो है आप देख ही सकते हो कितना अच्छा खासा ये थाई सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। दूसरी बात जो सीट है उसे अगर आप देखोगे गौर से तो सीट जो है थोड़ा सा ऐसे आगे से ना यहाँ से ऐसे उठा हुआ, और एक अलग से जो एलिमेंट है सीट के ऊपर थाई सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो भी इसके अंदर जो है वो मिल जाता है, ठीक है, जिससे आपको थाई सपोर्ट में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं इसके सीट के फैब्रिक की। तो देखो डिज़ाइन जो है, पहले तो डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन जो आपको डुअल टोन में जो मिल जाता है, जो बाहर जो कलर आपको मिलता है ना कार का, वही जो कलर आपको सीट्स के अंदर भी मिल जाता है। ये फैब्रिक सीट मिलती हैं, इसके टॉप मॉडल जो है उसके अंदर आपको लेदरेट सीट जो है वो मिल जाती है, 3-point सीट बेल्ट जो है वो मिल जाता है। एक्चुअली 3-point सीट बेल्ट जो है आपको तीनों पैसेंजर के लिए 3-point सीट बेल्ट जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर बैठकर, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम नी रूम की। देखो नी रूम जो है वो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा खासा नी रूम जो है इसके अंदर मुझे मिल जाता है। नी रूम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो मुझे नहीं लगी। उसके बाद अगर बात करें तो लेग रूम जो है वो भी मुझे अच्छा खासा मिल जाता है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो मुझे महसूस नहीं हुई। अब बात करें अगर इसके थाई सपोर्ट की, तो मैंने आपको पहले बता दिया थाई सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा इसके अंदर दिया गया है। और अगर हम बात करें हेडरूम की, तो देखो हेडरूम जो है ये भी आपको जो अगर आप ऐसे बैठते हो तो हेडरूम भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। और यहाँ पर अगर आप हेडरेस्ट की बात करोगे तो ये आपको एडजस्टेबल जो है इसके साथ जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सीट के अंदर 3 दिनों के बैठने की। तो देखो यहाँ पर तो आपको देख रहे हो ये आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाता है इसके अंदर, साथ में आपको कप होल्डर भी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर 3 दिनों के बैठने की। तो देखो 3 दिनों की अगर बैठने की बात करें तो 3 दिन जो है आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, तीन जने बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो दिक्कत है वो है ये जो इसका हम्प है, देखो जितना इसका हम्प है उस हिसाब से इसके अंदर अगर बीच में एक बच्चा बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अडल्ट जो है बैठ तो सकता है, लेकिन हो सकता है ये जो हम्प जो है ये थोड़ा परेशान कर ले। पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक टाइप ए तो टाइप सी आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स है वो मिल जाते हैं, यहाँ पर एसी वेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके एसी वेंट्स की क्वालिटी की तो सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की आपको इसके अंदर जो है एयर वेंट्स जो है पीछे की तरफ जो मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एक्चुअली ये, ठीक है। रूफ़ की अगर बात करोगे तो रूफ़ आपको पूरी तरीके से जो है वो ब्लैक मिल जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो महसूस नहीं होगी आपको। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ग्रेप हैंडल जो है वो भी मिल जाता है, और सॉफ्ट क्लोज के साथ आपको जो इसका ग्रेप हैंडल है वो मिल जाता है। रूफ़ जो है कार की पूरी तरीके से ब्लैक मिलती है। सनरूफ इसके अंदर जो है नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये जो फेयरलेस है ना कि फेयरलेस एस है, फेयरलेस एस जो है उसके अंदर आपको जो है सनरूफ भी मिलता है, जो कि आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ भी आपको सनरूफ जो है वो मिलता है उसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक आप यहाँ पे देखोगे हुक जो है आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, सॉफ्ट क्लोज आपको यहाँ पर भी मिल जाता है ग्रे पैंडल। अब इसका डैशबोर्ड जो है वो मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। ये इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट रो की। देखो फ्रंट रो के लिए यहाँ पर अगर आपके पास चाबी है तो कार को यहाँ पर बस आपको इसको प्रेस करना है, कार जो है अपने आप जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल फ्रंट रो की और इसके डैशबोर्ड की। देखो जितना इसमें फेसलिफ्ट के नाम पे जितना इसके अंदर चेंज किया है, ये फेसलिफ्ट लगती नहीं है एक्चुअली, ये एक न्यू जनरेशन लगती है, बहुत सारे चेंज किए गए हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी एक्सटीरियर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। ये इसकी जो ड्राइवर सीट है इसके अंदर जो आप एडजस्टेबल इसके देख रहे हो, ये आपको प्योर तरीके से पूरे तरीके से आपको इसके अंदर मैनुअल जो है वो मिल जाते हैं। आपको सीट को जो है रिक्लाइन कर सकते हो, ऊपर भी और नीचे कर सकते हो, और आगे और पीछे भी कर सकते हो। ये इसके थ्री जो पेडल्स हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर। अभी आप ना दरवाजे का थर्ड सुनना, देखो फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है उसकी जो बात है वो थोड़ी अलग होती है। थर्ड देखो कितना ज़बरदस्त है, आपको जब इसके अंदर बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि आप कितनी बेहतरीन कार के अंदर बैठे हो। चलिए कार को करते हैं ऑन। कार को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर जो है स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिल जाता है, क्लच दबाओ। ओके कार हो गई है ऑन। सो डियर ये आप इसका देख रहे हो स्टेयरिंग व्हील जो कि पूरी तरीके से आपको नया मिलता है, लेदर रैप्ड इसके अंदर आपको ये स्टेयरिंग व्हील जो है वो मिल जाता है। एक्चुअली इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है इसी की। हाँ ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो लोगो है इसका यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है, एक्चुअली ये इल्यूमिनेटेड है। जब भी आप कार को ऑन करोगे तो ये अपने आप ही इल्यूमिनेट जो है वो हो जाएगा। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग व्हील ये मिल गया है, डी कट स्टेयरिंग व्हील जो है वो मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर जो है कार के जो बाहर आपको मिलता है वही इसके अंदर मिलता है। अगर स्टेयरिंग व्हील के स्मूथनेस की अगर बात करें तो काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग ये मिल जाता है। इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे के सारे, आपको इसके जो म्यूज़िक सिस्टम के यहाँ पर आप डिस्प्ले देख रहे हो इसके, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में जो सामने आप फुल्ली आप डिजिटल जो आप कह सकते हो या वो जो आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। एक चीज़ देखो नोटिस करना ज़रा, देखो ये आप देख रहे हो ये आपको इसकी जो व्हील्स की जो डायरेक्शन है वो भी देखो बताता है, देखो है ना, तो अभी तो नहीं बता रहा है, देखो अभी बता रहा था मैंने आपको बताया दिखाया भी था, ठीक है। मतलब ये जब शुरू होती है तब ये बताता है, ठीक है। हाँ यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो आपको साथ में इसके क्रूज़ कंट्रोल के साथ में जो आप यहाँ पर देख रहे हो पूरी जो ये है पूरी तरीके से इसको डिजिटल कर दिया गया है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको पूरी तरीके से LED में मिलता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा यहाँ पर देखना, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है वेट सेंसर इसके अंदर लगा दिया गया है। मैं इस सीट पर बैठा हूँ जहाँ पर ये रेड हो रहा है, दूसरी बात मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये रिमाइंडर भी यहाँ पर आ रहा है, तो वेट सेंसर लगा दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी बात इसके अंदर हमें लगती है, ठीक है। दूसरी बात जो है इस कार का जो मैप है, अगर आप मैप चलाते हो ठीक है, वो जो मैप है वो आपको यहाँ पर ही दिखाई दे जाएगा, बार बार में आपको इस तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर आपको जो है
सारा का सारा जो मैप है वो दिख जाएगा। एक बात और, जैसे आप इंडिकेटर देते हो, जैसे हमने यहाँ पर इंडिकेटर दिया, तो यहाँ पर जो है इसका कैमरा जो है साइड कैमरा वो अपने आप ऑन हो जाता है। देखो हमने इस तरफ का दिया तो इस तरफ का ऑन हो गया, ठीक है। बाकी इस डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये जो डिस्प्ले है ये आपको 10.25 इंच की जो डिस्प्ले अच्छी खासी मिल जाती है। इसके स्मूदनेस की अगर बात करें तो देखो क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर हमें मिल जाती है, काफ़ी स्मूद है। ऐसा नहीं है कि यह कहीं पर भी ऐसे जर्क हो रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। टच जो इसका रिस्पॉन्सिव टच इसके अंदर हमें मिल जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, ये इसे टिल्ट तो मिलता है, टेलीस्कोपिक, एक्चुअली टेलीस्कोपिक नहीं मिलता हमें, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील जो है वो मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको टेलीस्कोपिक भी मिल देना चाहिए था, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRBM जो है मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। किसी भी कार में जो है ये चीज़ तो होनी बहुत ही ज़रूरी है, रात के टाइम में ये बहुत काम आती है, ठीक है। सेंटर कंसोल में अगर देखोगे तो डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर चार स्पीकर और चार ही ट्यूटर इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि हार्मन पावर्ड आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। डिजाइन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो एसीवेंट का जो डिज़ाइन है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कर दी गई है, ठीक है। फिर नीचे अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जितने भी कंट्रोल्स थे वो सारे के सारे टच रिस्पॉन्स दिए गए हैं। देखो हैजार्ड लैंप जो है उसका भी जो बटन है वो आपको टच के अंदर जो है मिल जाता है, ठीक है। बाकी सिर्फ दो कंट्रोल्स है जो कि आपको मैनुअल में दिए गए हैं, एक जो एसी के ब्लोवर को कंट्रोल करते हैं, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ये आपको टेम्परेचर के लिए मिलता है, ये ब्लोवर के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी जितने भी आप कंट्रोल्स यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे आपको टच रिस्पॉन्स के अंदर जो है मिल जाते हैं, और जाकि अच्छी बात है, देखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ये लगता है। अब अगर देखो मैं पर्सनली बताऊँ जो उसकी पुरानी जो जनरेशन थी या पहले वाली जो नेक्सॉन थी उसका जो डैशबोर्ड था वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं था, नहीं था क्योंकि वो क्या है थोड़ा सा ऐसे अलग डिज़ाइन था, यहाँ पर अलग पैटर्न यूज़ किया गया था उसमें, और एसीवेंट्स भी जो है थोड़े बड़े बड़े ऐसे अलग दिखते थे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है आप देखोगे यहाँ पर एक अलग प्लास्टिक का यूज़ किया गया, फिर यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सिल्वरिश टाइप का आपका जो है मेटेलिक सिल्वरिश टाइप का आपको यहाँ पर एलिमेंट जो है मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये आपको कार्बन फाइबर टाइप जो फिनिश है वो जो है मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी, एक्चुअली ये ना 3D के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको एक इसका जो बॉडी कलर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर नीचे बात करोगे तो ये जो ग्लव बॉक्स है, देखो एक्चुअली सेगमेंट का सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स जो है आपको इसके अंदर जो है मिल जाता है। आपको यहाँ पर देखो एक पार्सल ट्रे भी आपको इसके अंदर भी मिलती है, और यह जो ग्लव बॉक्स है ये आपको कूल्ड मिलता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करें इसके, देखो यहाँ पर देख रहे हो या 6 स्पीड का जो इसका ये जो मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपके इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसके जो मोड्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, स्पोर्ट ड्राइव मोड, ये स्पोर्ट ड्राइव मोड हो गया, और सिटी ड्राइव मोड हो गया, और ये हो गया इकोनॉमी ड्राइव मोड। तो ये आपको बताती रहती है कि आप कौन से मोड में जो है कार को चला रहे हो, सिटी ड्राइव या सिटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया या इकोनॉमी हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो मिल जाता है, और जो कि अच्छी बात है, और भी जो इस सेगमेंट की जितनी कार वो भी दे रही हैं, तो इसे इन्होंने भी ये दिया है और काफ़ी अच्छी बात है। एक्चुअली ये पीछे वाली जो पहले वाली जो कार थी उसमें भी आ गया था और इसमें भी अब दे दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर हम इसके ग्लव बॉक्स, सॉरी इसके आर्मरेस्ट के नीचे के बॉक्स की, तो देखो यहाँ पर स्पेस तो थोड़ा ही है, कुछ ज़्यादा स्पेस यहाँ पर दिया नहीं गया है, और इसके अंदर भी आपको देखोगे तो कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है नहीं मिलता, लेकिन ये आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है, फैब्रिक में मिलता है। देखो ये जो कार है ये फेयरलेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक फेयरलेस प्लस आता है, उसके अंदर आपको फैब्रिक की बजाय जो लेदर सीट है वो मिल जाती है, यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट मिल जाती है, बस इतना है। पैटर्न आपको सेम मिलेगा, पैटर्न में देखो किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखो ये एलिमेंट हार्ड में मिलता है, बाकी जो ये आप देख रहे हो ये सब प्लास्टिक, ये सब जो है प्लास्टिक में, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये एलिमेंट्स देख रहे हो ये, उसके बाद जो ये भी फैब्रिक है ये भी आपको फैब्रिक के अंदर मिल जाता है। अब सीट के कुशनिंग की अगर बात करें तो सीट कुशनिंग जो है बहुत ही बढ़िया सीट कुशनिंग है। एक्चुअली देखो ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्यों, क्योंकि ये जो
सीट है या आपको लॉन्ग ड्राइव में या आप कहीं पर लंबे सफ़र में जा रहे हो तो आपको उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है ये नहीं देंगे, क्योंकि इसकी सीट की कुशनिंग जो है बेहतरीन कुशनिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है। इस तरफ देखोगे सन वाइज़र में, तो सन वाइज़र में आपको मिरर मिलता है, लाइटिंग जो है वो नहीं मिलती। इस तरफ देखोगे तो आपको सिर्फ आपको टिकट होल्डर जो है वो मिल जाता है। लाइटिंग की बात करें तो LED के अंदर मिलती है, और टाटा मोटर्स की ये अच्छी बात है कि इनकी जितनी भी कार आती है उनमें LED जो लाइट है वो मिल ही जाती है अंदर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको जो ये आप देख रहे हो इल्यूमिनेटर, जो एयर बैग्स है उनको ऑन और ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर जो है वो दिया गया है, ठीक है। और पीछे की यहाँ पर अगर इस तरफ देखोगे ना डोर खोलकर, तो उसको चाबी लगाकर आप ऑन और ऑफ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है भाई, ठीक है। ओवरऑल कार जो है काफ़ी अच्छी बना दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर की जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप उसके हेडलाइट के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। ये जो है इसका ये OIBM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब बाकी देखो चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक के लिए भी आपको यहाँ पर ही कंट्रोल मिल जाता है। फोर स्पीकर फोर ट्विटर का इसका म्यूजिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। एक बात और जो मैंने आपको बताना भूल गया था ये वो ये है कि देखो ये जो आप देख रहे हो ना इसका सीट बेल्ट, ये आपको हाइट एडजस्ट के साथ मिलता है, जो कि अच्छी बात है। एक बात और इसके अंदर अच्छी है वो है ये, इसके अंदर आपको 6 एयरबैग जो है वो मिल जाते हैं। कहाँ पर मिल जाते हैं देखो, एक यहाँ पर, दो ठीक है साइड सीट के साइड में, तीन और ड्राइवर सीट के साइड में भी, ठीक है चार, और यहाँ पर आप देख रहे हो चार, यहाँ पे पाँच, और उस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर पाँच छः आपको इसके अंदर जो है एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। अब जो हम आपको इसका जो इंजन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4-stroke आपका इसके अंदर जो है इंजन जो है वो मिल जाता है। यहाँ से आप देखोगे तो ये इंजन खोलने के लिए लीड मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फ्यूल टैंक खोलने के लिए जो लीड है वो मिल जाती है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो फ्यूल टैंक जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये डीजल वेरिएंट तो आपको डीजल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसका जो डीजल इंजन है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो इसका बोनेट है काफ़ी हैवी बोनेट जो है वो दिया गया है। हैवी इसलिए क्योंकि देखो 5-star की सेफ्टी रेटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती है। EBD प्लस EBD की जो किट है वो आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। इंजन का जो लेआउट है ये आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है वो मिल जाता है, और जो स्पेस है इसके अंदर जो है वो भी आपको ठीक ठाक जो है वो मिल जाता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में है। सामने अपने हैं टाटा नेक्सॉन फेयरलेस, और इससे ऊपर भी एक वेरिएंट आता है जो कभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं हूँ टाटा मोटर्स, प्रगति टाटा मोटर्स बडोली में। अगर आपको कोई भी कार के बारे में इंक्वायरी करनी हो या कार लेनी हो टाटा मोटर्स की, तो आप यहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं। इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं जो है वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इनका जो है पता आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।